नमस्कार दोस्तों, आज हम डिज़ाइन करेंगे इस गियर को। इसको डिज़ाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ऑटोकैड में जाएंगे और स्टार्ट पे जाके नया टैब लेंगे अपना। नया टैब में जाके यहाँ से जाके 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करना है। मेरा ऑलरेडी 3D मॉडलिंग सेलेक्ट था। उसके बाद अपनी इमेज खोल लेंगे और इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद इसको अपने साइड में एक ले लेते हैं, इसको यहाँ साइड में कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला जो सर्किल है उसका रेडियस 105, 105, 105 है तो उसका हमारा डायमीटर 105 है तो रेडियस उसका हो गया हमारा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्किल कमांड लेंगे, सर्किल कमांड लेंगे और हमारा रेडियस हो गया 105। 50 पर 5 कट है यानी कि 50, यानी कि 52.5। एंटर करेंगे और हमारा सर्किल बन गया। फिर इसको हम अपना जूम जूम कर लेंगे। फर्स्ट सर्किल हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ पे सेकंड के लिए हम फिर से देखेंगे। अब सेकंड का डायामीटर है, सेकंड सर्किल का डायामीटर है 120। फिर 120 का हम एक और सर्किल लेंगे। फिर 120 के लिए को एक और सर्किल लेने के लिए स्पेस क्लिक करेंगे और यहाँ सेंटर में जाके एक और ये लेंगे, एक और सर्किल लेंगे। उसके बाद 60, 60 का रेडियस लेंगे और हमारा सेकेंड सर्किल बन के तैयार हो गया। फिर थर्ड के लिए स्पेस क्लिक करेंगे और थर्ड, यहाँ पे थर्ड 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 का है 132, 132 का, यहाँ 132 डायमीटर का, 132 डायमीटर का हम यहाँ पे 132 डायमीटर का यहाँ पे एक और सर्किल बना लेंगे। अरे यहाँ वो सेट एक और सर्किल बनाएंगे हम। फाइव फाइव 132 डायमीटर का एक और सर्किल बनाएंगे। यहाँ सर्किल लेते हैं और यहाँ फर्स्ट फर्स्ट सेंटर में क्लिक करते हैं और यहाँ 132 डायमीटर के लिए हो गया हमारा 165। 66 डायमीटर का ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा बन चुका है सर्किल। फिर यहाँ पे एक हम लाइन लेंगे और लाइन लेने के बाद यहाँ एक लाइन लेंगे। सबसे पहले हम अपना यहाँ पे ऑर्थो चालू रखेंगे, जिससे हमारा लाइन जो है जहाँ बनेगा सीधा लाइन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं एक लाइन और एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे हम अपनी इमेज पे जाते हैं और यहाँ तिथ की पिच पिच की साइज देखते हैं। जो पिच की साइज हमारी है ये है 10, यानी कि 5, 5 लेनी है। 5 mm की ये तीत की साइज है और यहाँ पे जाके हमें 5 mm की लाइन लेनी है। 5 एंटर कर देना है। डबल एंटर करने के बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ ला देना है। उसके बाद यहाँ पे आर्क लेंगे। आर्क लेने के बाद यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट से लेके हम एक आर्क बनाएंगे। इमेज में जाते हैं, इमेज में जाके देखते हैं कैसे है। फिर यहाँ पे जाने के बाद एक आर्क लेते हैं, यहाँ 10 10 10 के लिए एक आर्क लेते हैं। फिर यहाँ जाने के बाद हम आर्क लेते हैं 10 के लिए, तो सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एंटर ये 5 की हमारी लाइन होगी। फिर एक और लाइन लेते हैं, लाइन कमांड लेके एक और लाइन लेंगे। लाइन कमांड यहाँ से लेके एक और लाइन लेंगे 10 की, एंटर करेंगे और फिर इसको इसको ले लेकर यहाँ आ जाना है और फर्स्ट वाली को, ये 5 वाली को लेके यहाँ आ जाना है। उसके बाद ट्रिम कमांड लेके इस वाली
लाइन को हटा देना है यहाँ से, उसके बाद एंटर कर देना है। उसके बाद आने के बाद यहाँ से ये ऐसे आर्क लेना है। एक आर्क लेने के बाद यहाँ से मार्क लेते हैं, यह फर्स्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा और सेकेंड, और यहाँ से ऑर्थो हटा देना है, ऑटोमेटिक लाइन लेना है, सो कॉल्ड ऑर्थो यहाँ से हटा देंगे अब। और सेकेंड हमारा यहाँ रहेगा, और थर्ड पॉइंट हमारा हमारा हमारे हम हमारे लाइन के यहाँ लाइन के ऊपर होगा। उसके बाद हम मिरर कमांड लेंगे, मिरर कमांड, उसके बाद इसको मिरर मिरर कर देना है। इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऊपर वाले में लेंगे और सेकंड नीचे वाले को, फिर मिरर हो जाएगा, एंटर कर देना है। उसके बाद ट्रिम कमांड लेना है, ट्रिम कमांड लेने के बाद इसको ट्रिम कर देना है, जो जो हमारा है इसको भी ट्रिम कर देना है, जितने ये दिख रहे हैं सबको ट्रिम कर हटा देना है। इस वाले को भी ट्रिम कर देना है, इस वाले को भी ट्रिम कर देना है, और ये लाइन रहने देना अभी। उसके बाद हम कमांड लेंगे यहाँ पे, पहले इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन कमांड लेंगे। ज्वाइन कमांड लेने के बाद तीनों को ज्वाइन कर देंगे, फिर ओ सेट तीनों तीनों को यूनाइट कर देंगे। यूनाइट करने के बाद एक बार सेलेक्ट करेंगे इसको, और एक कमांड है हमारा पे यहाँ पे, अरे कमांड, पोलर अरे पे लेंगे। और पोलर अरे पे लेने के बाद हमारा सेंटर पॉइंट होगा, जो अपना सेंटर पॉइंट देंगे। और यहाँ पे फिर से अपनी इमेज पे चले जाएंगे, और इमेज पे जाने के बाद देख लेंगे कितनी तिथि है इस पे, तिथि साइज, तिथि नंबर ऑफ तिथि हमारी है, नंबर ऑफ तिथि 20 है, फिर यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं तिथि, यहाँ पे 20 तिथि ले रहेंगे। यहाँ पे तिथि लेने के लिए यहाँ पे 20 डालेंगे और हमारी तिथि बन के तैयार। फिर उसके बाद डबल एंटर करने के बाद हम ट्रिम कमांड लेंगे, ट्रिम कमांड लेने के बाद हम इसको ट्रिम कर लेंगे, सबको जितनी भी ये दिख रही हैं सबको ट्रिम करना है। और ट्रिम करने के बाद ये कोई मिस नहीं होना चाहिए, मिस होने अगर मिस हो गया तो फिर आगे चल के ट्रिम नहीं होगा, थ्री डी हो जाने के बाद। सो कल पहले ही हम ट्रिम कर लेंगे, यहाँ पे ट्रिम करेंगे वन बाई वन सबको। यहाँ पे सब ट्रिम हो चुका है, यहाँ पे हमारा गियर आधा बन के रेडी हो चुका है। फिर यहाँ देख लेते हैं, इसका डायमीटर दे रखा है 16 और इसका दे रखा है 28, और यहाँ पे हमारा सप्लाई है, इसलिए हम यहाँ पे आएंगे दो दो सर्किल लेना है सेंटर में, सर्किल यहाँ पे सर्किल लेंगे दो, पहला 28 का था, 28 रेडियस का एक लें, चौदह रेडियस का लेंगे। उसके बाद एक ये छोटा वाला 16 का था, सो कॉल्ड यहाँ पे 8 का लेंगे, एक यहाँ पे 8 का लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइन कमांड लेंगे हम, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हम लोग लाइन कमांड लेते हैं यहाँ से, यहाँ जाके लाइन कमांड लेंगे। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में ड्रॉ करेंगे, सेंटर में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद ऑफसेट लेना है दोनों को स्पेस करने के लिए। सो ऑफसेट का हमारा डिस्टेंस होगा 2, यहाँ पे हमारा ये हो गया, सॉरी इधर, यहाँ पे 2 करेंगे, एंटर करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, चलिए
यहाँ पे हम करेंगे 0.2, उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे बन के तैयार हो गया। एक और इस साइड को करेंगे 0.2, और यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया। फिर एक और लाइन लेना है इस साइड से वर्टिकली, यहाँ से लेंगे लाइन कमांड और इधर एंटर। डबल एंटर करने के बाद ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेंटर पॉइंट ले लिया यहाँ पे। अब ये हो गया लाइन। अब इधर को देना है 0.2 और इधर को देना है 0.2, बराबर हो गया। उसके बाद डबल एंटर करने के बाद हम ट्रिम कमांड लेते हैं, और ट्रिम कमांड लेके इसको ट्रिम कर लेना है, सेंटर वाली लाइन को ट्रिम कर देना है। ओ शिट, यहाँ से इसको ट्रिम कर लेंगे, इसको भी ट्रिम कर लेंगे। बीच में कुछ नहीं बचेगा, बीच का सब कुछ ट्रिम कर लेंगे। और यहाँ पे ट्रिम, एक ये बचा है, ये भी ट्रिम हो गया। फिर उसके बाद ये भी ट्रिम कर लिया, इसको भी ट्रिम कर लेना है। फिर उसके बाद इसको भी ट्रिम कर लेना है, इसको भी ट्रिम कर लेना है, ये सब ट्रिम कर लेना है। जैसे हमारे ड्राइंग में दिया हुआ है, ये भी ट्रिम कर लेना है, ये भी ट्रिम कर लेना है। उसके बाद हम अपनी ड्राइंग एक बार और देखेंगे, बीच वाली सर्कल के यहाँ पे ये इस वाली को इधर ट्रिम कर लेना है सबको। इधर सबको ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम कर लिए। और यहाँ पे बन के तैयार हो गया हमारा चारों सप्लाई। और यहाँ पे देखेंगे ये, यहाँ से हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा ऐसे दिखेगा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे 3D में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एक सेकेंड, डबल डबल इंटर कर लेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे, इसको ऑर्थो मोड में ले जाएंगे। और यहाँ पे प्रेस पुल एक कमांड होता है, एक्सट्रूड भी आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे प्रेस पुल लेंगे क्योंकि इजीली इससे 3D में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम लेके इसको 3D में कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा फाइनली 3D में कन्वर्ट हो चुका है गियर। फिर सब क्रे कर लेंगे, और जो हमारा पार्ट यहाँ पे नहीं आया हुआ है, अब इसको हमारा जो सप्लाइंस है, सप्लाइन को प्रेसफुल करना बाकी है। इसको प्रेसफुल करेंगे वन बाई वन। जो हमारा पार्ट ऊपर के साइड में नहीं आया है, तो यहाँ पे प्रेसफुल करेंगे हम 120 करेंगे, हाइट इसकी 120 दे देंगे, इसकी भी हाइट भी 120 दे देंगे। वन बाई वन करना होगा, 120 दे देंगे, इसकी भी हाइट 120 दे देंगे, इसकी भी हाइट भी 120 ही दे। उसके बाद इस वाली हमारी सेंटर वाली जो सर्कल है छोटी वाली, ये एक सेकेंड, कर्सर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर, सॉरी फॉर दिस। ले लिए हम तो, उसके बाद फिर से यहाँ पे हमारी चारों सप्लाइंस हैं। चारों सप्लाइंस को सब फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे। ये प्रेसफुल वाली प्रेसफुल लेंगे, उसके बाद वन इसको देंगे। यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू कर लेते हैं आके, यहाँ से हम आइसोमेट्रिक व्यू कर लेते हैं, और इसको ऐड देते हैं 120, एंटर। फिर वन बाई वन सबको कर लेंगे, उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू में कर लेंगे, इसको भी 120 कर लेते हैं, एंटर। 120 एंटर, 120 एंटर।
एंटर करेंगे, उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू में लेके आएंगे, देखेंगे तो मेरी ये बन चुकी है। और इसको उस इसके बाद इसको बीच में मूव करने के लिए हम यहाँ पे मूव लेंगे, इसको पर यहाँ पे मूव कमांड है, मूव कमांड, इसको ऐसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। उसके बाद ये सेंटर पॉइंट लेंगे और इसको ऐसे मूव करेंगे कितना 60, फिर ये फाइनली सेंटर में आ गया होगा, और ये फाइनली सेंटर में आ गया। उसके बाद ये नीचे वाले जो बेस पे ये बची हुई है इसको हम इरेज कर देंगे, इरेज कमांड लेंगे और इसको इरेज कर देंगे, इजीली इरेज हो जाएगा ये। तो उसके बाद इरेज करने के बाद हमारा मॉडल ही बच जाएगा सिर्फ, जो हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट हमारा। ये रहा, ये एंटर करेंगे और ये इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो हमारा गियर बन के तैयार है। ये बीच में हमारा जो सप्लाई डालने के लिए जगह होती है वहाँ पे है, वहाँ पे ये क्लोज है। इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पे ये प्रेस पुल कमांड लेते हैं, और प्रेस पुल कमांड लेने लेकर प्रेस पुल कमांड लेने के यहाँ पावर कमांड है, और यहाँ पे एक सर्किल सर्किल एक और सर्किल होगा जो हम ड्रॉ करेंगे सेंटर में, और उसकी रेडियस होगी 4, उसकी रेडियस होगी 8, 8 करके एंटर करेंगे। उसके बाद इसको आइसोमेट्रिक व्यू में लेंगे, प्रेस पुल कमांड लेंगे, और उसके बाद उसको प्रेस पुल करके हम यहाँ पे पहले आइसोमेट्रिक, फर्स्ट हमें आइसोमेट्रिक करना था। प्रेस पुल कर नीचे की तरफ लाके क्लिक करेंगे और उसके बाद टॉप पे जाके देखेंगे तो वो हमारा जो भी ये था खाली हट गया होगा वहाँ से, और यहाँ पे हमारा बन चुका है शाफ्ट गियर। तो जैसे कि ड्राइंग में आप देखे थे, यहाँ पे ड्राइंग में जैसे था वैसे हम बना दिए यहाँ पे, ये जो ड्राइंग में दिख रहा है वैसे ही बन चुका है यहाँ पे। सो ड्राइंग में कुछ एक सेकेंड ड्राइंग में कुछ इस टाइप से दिखा, इस टाइप का फोटो है। सो आप यहाँ देख सकते हैं ड्राइंग में भी सेम है। तो बन चुका है हमारा गियर, अब इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, या फिर यहाँ पे कमांड होता है उसको कमांड को लेंगे, और यहाँ पे हम अपना अपना सॉफ्ट गियर सेव कर लेंगे, और ये बन के फाइनली तैयार हो चुका है हमारा सॉफ्ट गियर। और इसको फ्रीली मूव कराने के लिए यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑर्बिट पे लेके ऐसे ऐसे कट करने के देने के बाद फ्रीली मूव करता है, ऐसे हमारा फोन जो भी बना होगा ऐसे डिस्प्ले पे फ्रीली मूव करेगा। सो आप यहाँ पे देख चुके हैं, बन चुका है हमारा।